हाय फ्रेंड्स, सुजीत शर्मा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के गणित विषय के पाठ संख्या 6 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज व वृद्धि या ह्रास की समान दर। देखिए, अब तक के क्लासेस में हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, तो हम लोग एक्सरसाइज संख्या 6.1 के 14 नंबर सवाल तक देखिए हल कर चुके थे। नहीं तो चलिए आइए जल्दी से अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। वैसे हम आपको सलाह देंगे कि आगे के प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग जरा अब तक जो जो फॉर्मूला देख चुके हैं उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कौन कौन से फॉर्मूले का उपयोग होता है। अब तक हम लोग कौन सा फॉर्मूला देख चुके हैं, तो पहला फॉर्मूला यह देख चुके हैं कि मिश्रधन का सूत्र। मिश्रधन बराबर हमेशा क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। हम आपको कहे थे मिश्रधन क्या होता है, जो सूद समेत वापस लौटाया जाता है, उसमें मूलधन भी होता है और ब्याज भी जुड़ा होता है। उसके बाद यह सूत्र किसका था, चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट सूत्र था। सीआई मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का यह सूत्र है, हम लिख देते हैं यहां चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता क्या है, मूलधन गुना एक जोड़ आर बटा 100 पे घात एन माइनस 1। यह सूत्र किसका है, चक्रवृद्धि ब्याज का। उसके बाद एक और सूत्र हम लोग क्या देखे थे, यह मिश्रधन का सूत्र। यह सूत्र सबसे ज्यादा बार हम लोग उपयोग करते हैं क्योंकि थोड़ा सरल है। नहीं तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन का सूत्र ए मतलब मिश्रधन। चलिए एक बार आपको यहां भी दिखा हुआ है लेकिन एक बार फिर से लिख देते हैं, ए मतलब मिश्रधन। यानी मिश्रधन बराबर होता क्या है, पी क्या होता है, मूलधन। एक बार जल्दी से लिख लेते हैं ताकि आपको फिर से याद आ जाए सब चीजें। उसके बाद R क्या होता है, दर होता है। ये R क्या है आपका, दर। और N क्या होता है आपका, समय। नहीं होता, ये चीजें तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं इसीलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन गुना एक जोड़ दर बटा 100 पे घात N मतलब समय। यह सूत्र कब लगाते हैं, एक चीज और देखे थे ध्यान में कि जब ब्याज क्या हो, फिक्स हो, निश्चित हो। मतलब जैसे 3 साल के लिए अगर आप कोई पैसा उधार लेते हैं और तीनों साल अगर ब्याज दर 6% है तो हर साल कितना लगेगा, 6% लगेगा। और इसी सूत्र का एक विशिष्ट रूप ये देखे थे, ये वाला सूत्र कि जब ब्याज दर प्रत्येक वर्ष क्या हो, अलग अलग हो। मतलब जैसे पहला साल 6% लगा, फिर कह देगा कि अगला साल 7% लगा, उसके अगला साल 8% लगा, इस तरह से जब दिया गया हो तब कौन सा सूत्र लगाते हैं। यही सूत्र का यह दूसरा रूप है कि मिश्रधन बराबर मूलधन गुना एक जोड़ आर वन बटा 100, उसी तरह वन जोड़ आर बटा आर टू बटा 100, उसी तरह से एक जोड़ आर थ्री बटा 100। ये आर वन आर टू आर थ्री क्या है, अलग अलग वर्षों का ब्याज दर है। मतलब ये आर वन पहले साल का, आर टू दूसरे साल का और आर थ्री तीसरे साल का। ये तब लगाते हैं जब, देखिए यहाँ लिखे भी हुए हैं, जब ब्याज दर प्रत्येक वर्ष क्या हो, अलग अलग हो। तो ये सारे सूत्र हम लोग देख चुके थे और इसी के आधार पर हम लोग सवाल बनाए थे। चलिए आइए जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न तक तो हम लोग हल कर ही चुके थे, अब आइए 15 नंबर सवाल। देखिए 15 नंबर सवाल जो है वो हूबहू 14 नंबर सवाल की तरह ही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप बनाने की अगर कोशिश उसको करें तो वह आपसे जरूर बनेगा, और यदि ना बने तो आप जानते हैं मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, आप उस पर कमेंट करें, आपको उत्तर जरूर प्राप्त हो जाएगा। वैसे देखिए हम समय के अभाव के कारण थोड़ा अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न टाइप के या प्रकार के आपको सवाल बता सकें, और उससे संबंधित जो भी सवाल हैं आप कोशिश कर सकते हैं खुद से। ठीक है, चलिए आइए 16 नंबर प्रश्न पर हम लोग जल्दी से आते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए कहता क्या है आपको कि यदि किसी मूलधन का एक वर्ष का सरल ब्याज 50 रुपया हो एवं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया हो तो मूलधन भी निकालिए और वार्षिक ब्याज दर भी निकालिए। यह देखिए सवाल बहुत सुंदर सवाल है। कितना नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल। अगर आप 16 नंबर सवाल को हल कर लेते हैं तो इसका मतलब आपका सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का ही कंसेप्ट क्या है, पूर्ण रूप से क्लियर है। देखिए आपको क्या क्या निकालने के लिए कहा गया है, मूलधन, तो हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं। यहां पे हम लोग को क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। नहीं, मूलधन यानी पी आपको क्या करना है, निकालना है। और वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर, दर मतलब आर आपको क्या करना है, निकालना है। ये दो चीजें निकालनी है। और आपको देखिए दिया क्या है, एक वर्ष का सरल ब्याज 50 रुपया है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। देखिए इसको हम हल कैसे करते हैं, गौर कीजिएगा बात पे। हम एक तरफ क्या लिखते हैं, सरल ब्याज, जल्दी से एक तरफ क्या लिखते हैं, सरल ब्याज, और दूसरे तरफ क्या लिखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज।
ठीक है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान से देखिएगा इसको हल कैसे करेंगे। यह सवाल बहुत बढ़िया है और कंसेप्ट क्लियर करने वाला सवाल है। पहला क्या दिया गया है, एक वर्ष का सरल ब्याज। तो एक वर्ष यानी हम यहां लिख देते हैं प्रथम वर्ष का ब्याज, प्रथम वर्ष का ब्याज यहां जल्दी से लिख दिए। प्रथम वर्ष का ब्याज आपको देखिए कितना दिया गया है, 50 रुपया। अब देखिए ये बहुत बड़ा तथ्य आपको दे दिया गया है, इससे देखिए हमको कितना जानकारी प्राप्त होगा। जब हम आपको सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही पढ़ाए, तब हम आपको एक बात जरूर बताए थे कि सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या क्या है और क्या क्या समानता है। तो हम आपको यह बात जरूर बताए थे कि एक साल का सरल ब्याज अगर आप निकालें और एक साल का चक्रवृद्धि भी ब्याज निकालें, कहने का अर्थ है अगर प्रथम वर्ष का सरल ब्याज और प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकाल रहे हैं तो दोनों का उत्तर हमेशा क्या आता है, समान ही आता है। यानी एक वर्ष तक के लिए अगर ब्याज निकाले, चाहे वो सरल हो चाहे चक्रवृद्धि हो, दोनों का ही उत्तर समान आता है। यानी दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इससे यह पता चला यानी प्रथम वर्ष का अगर सरल ब्याज 50 है तो प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी 50 रुपया होगा। तो हम जल्दी से यहां लिख लेते हैं प्रथम वर्ष का ब्याज यहां पे भी, यानी यहां कौन सा ब्याज लिख रहे हैं हम लोग, चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी कितना होगा, 50 रुपया ही होगा। ये कंसेप्ट के आधार पे हम लिखे। अब देखिए एक बात आपको बताए थे कि तब अंतर क्या आता है दोनों में, दोनों में अंतर आता है दूसरे वर्ष से, दूसरे साल से अंतर आना शुरू होता है। क्यों अंतर आना शुरू होता है ये भी आपको हम बताए थे। वैसे जो जो विद्यार्थी को अगर यह बात न समझ में आ रही थी तो हम उनको सलाह देंगे कि हमारे पिछले क्लास के लेक्चर को आप जरूर देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। उसके बाद आपको दिया गया था दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है। क्या दिया गया है, दो वर्ष का ब्याज, दो वर्ष का कौन सा ब्याज दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए दिया क्या गया है, 102 रुपया। गौर कीजिए, सॉरी, दो वर्ष का ब्याज दिया गया है यहां पे। दो वर्ष का मतलब पहला साल भी है दूसरा साल भी है, दोनों को जोड़ के ब्याज कितना है, 102 रुपया। कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज। अब एक बात बताइए, हम आपको यह भी पहले ही बता चुके हैं या अभी भी फिर से कह रहे हैं कि क्या होता है सरल ब्याज में, अगर सरल ब्याज में एक साल का ब्याज अगर 50 रुपया आया है तो आपको अगला साल भी कितना आएगा, 50 रुपया ही आएगा। यानी सरल ब्याज में हमेशा जो भी ब्याज उत्पन्न होता है वो हमेशा उतना ही होता है, क्योंकि सरल ब्याज में हमेशा एक निश्चित मूलधन पे ही ब्याज लगता है। यहां सवाल में कह दिया गया था कि एक मूलधन पे, कोई एक निश्चित मूलधन है, तो मूलधन पे अगर 50 रुपया ब्याज आपको एक साल आया तो दूसरा साल भी 50 रुपया ही आएगा। तो हम उस कंसेप्ट के आधार पे यहां पे लिख सकते हैं ना, द्वितीय वर्ष का ब्याज, द्वितीय वर्ष का ब्याज कितना आपको आएगा, द्वितीय वर्ष का ब्याज भी आपको कितना आएगा, 50 रुपया ही आएगा। सरल ब्याज में हमेशा एक निश्चित ब्याज उत्पन्न होता है, लेकिन आपको कहे थे चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे साल से क्या होता है, अंतर आना शुरू होता है। पहले वर्ष के लिए तो दोनों बराबर होता है, दूसरे साल से अंतर आना चालू होता है। यहां गौर से देखिए, यहां दो वर्ष का ब्याज है 102 रुपया, पहला साल ब्याज आया था 50 रुपया, तो दूसरा साल कितना आया था, उसके लिए इसको इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जल्दी से निकालते हैं यहां पे द्वितीय वर्ष में कितना आया, द्वितीय वर्ष का ब्याज, द्वितीय वर्ष का ब्याज हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें से पहले वर्ष का ब्याज को क्या कर देंगे, घटा देंगे। नहीं तो घटा देंगे तो देखिए आपको उत्तर कितना आएगा, 52 रुपया। देखिए हम आपको कहे थे कि दूसरे साल से आ जाता है अंतर, पहले साल दोनों में 50 था, दूसरे साल में सरल ब्याज 50 था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज देखिए कितना आया, 52 रुपया आया। तो पहले साल और दूसरे साल के ब्याज में कितने का अंतर है, जल्दी से निकाल लेते हैं ब्याज का अंतर। ब्याज का अंतर जो होगा वो आपको पता है कितना होगा, 52 रुपया पहला साल, सॉरी 52 रुपया दूसरा साल, 50 रुपया पहला साल, दोनों का अगर हम अंतर निकालें तो हमको अंतर कितने का आया, 2 रुपया का। ये 2 रुपया का अंतर आपको बताए थे हम कि क्यों आता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि जो एक साल के बाद ब्याज उत्पन्न होता है वो जाके मूलधन में जुड़ जाता है, फिर मूलधन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ही जब आगे बड़ा हुआ या जो बड़ा मूलधन हमको आया जुड़ के, उस पे ब्याज भी क्या आता है, अधिक आता है। यानी इस जो पहला साल का जो ब्याज पैदा हुआ 50 रुपया, यही 50 रुपया मूलधन में जाके जुड़ा, जिसकी वजह से उसके बाद जब ब्याज निकला तो ब्याज कितना रुपया ज्यादा आया, 2 रुपया ज्यादा आया। इसका मतलब इससे हमको क्या पता चला, ये 2 रुपया का अंतर किसकी वजह से आया, 50 रुपया की वजह से नहीं आया। तो देखिए दर निकल गया, दर कैसे निकालते हैं,
ब्याज दर कैसे निकालेंगे, दूसरा ब्याज दर कैसे निकालेंगे, तो जो ब्याज जो है ये 2 रुपया का ब्याज जो है वो आया, अंतर किस बात पे आया था, 50 रुपया की वजह से आया था, यानी 50 रुपया में 2 रुपया का ब्याज का अंतर आया, गुना 100 कर देंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, ये प्रतिशत में उत्तर लाना है, 50 × 100, देखिए उत्तर आपको आ गया, ब्याज दर कितना था, 4%, ये क्या लिख देंगे हम लोग, वार्षिक। यहाँ एक बार और लिख दीजिए, ब्याज दर या वार्षिक ब्याज दर जो पूरा लिखा गया था, वार्षिक ब्याज दर आपको कितना आया, 4% वार्षिक। देखिए ये सवाल का उत्तर हम लोग पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के आधार पर निकाले, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप तुरंत निकाल देंगे। उसके बाद देखिए, यानी पहला जो निकालने के लिए कहा गया था, एक हिस्सा हम लोग निकाल लिए वार्षिक ब्याज दर, अब हमको क्या निकालने के लिए कहा गया है, मूलधन भी निकालने के लिए कहा गया, तो मूलधन हम लोग निकाल नहीं सकते, चाहे आप सरल ब्याज वाला हिस्सा लें या चक्रवृद्धि ब्याज वाला हिस्सा लें, दोनों में से किसी भी एक हिस्से से हम लोग निकाल लेंगे, हम लोग को सब कुछ पता है। देखिए क्या क्या हमको पता है, ब्याज पता है ना, एक वर्ष का ब्याज, तो देखिए प्रदत्त क्या क्या है जल्दी से लिख लेते हैं, प्रदत्त मान हमको देखिए क्या क्या है, पहला प्रदत्त मान क्या है, ब्याज देखिए कितना दिया गया था हमको, 50 रुपया, नहीं ये ब्याज कितने समय के लिए था, 1 वर्ष का ब्याज था, ये तो दिया गया था, इससे ये पता चला कि समय कितना है, 1 साल, समय 1 वर्ष नहीं, ठीक है, समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो समय को टी से प्रदर्शित करते हैं, आप चाहे तो लिख लें, और ब्याज को आई से, तो समय था 1 वर्ष, तो ब्याज कितना था, 50 रुपया। एक चीज और, अभी देखिए ब्याज दर भी हम लोग निकाले हैं, नहीं पता है दर, यानी आर भी हमको पता है कितना, 4% वार्षिक, नहीं, और हमको अज्ञात क्या है, मूलधन, देखिए मूलधन हमको निकालना है, तो हम लोग निकाल नहीं सकते मूलधन पी, कैसे निकालेंगे, तो सरल ब्याज वाला सूत्र हम तुरंत लगा देंगे, तुरंत उत्तर आ जाएगा, कि सरल ब्याज का सूत्र आपको याद होगा, सरल ब्याज बराबर होता क्या है, सरल ब्याज बराबर पीआरटी बटा क्या होता है, 100, पीआरटी बटा 100, क्योंकि हम सरल वाले ही ब्याज के हिस्से से निकाल लेते, आप ना हो तो यहां भी लिख दे सरल ब्याज, यहां भी लिख दे क्या, सरल ब्याज था 50 रुपया, सबका मान डाल दे, सरल ब्याज कितना आया, 50 रुपया, पी हमको निकालना है, आर कितना था, 4%, समय कितना था, 1 वर्ष, बटा 100, नहीं आया, अब देखिए बस इन दोनों को काट दीजिए, 4 को 100 से काटेंगे कितना आएगा, 25 बस 50 से गुना हो जाएगा, आपको उत्तर आ जाएगा 50 × 25। अब देखिए यानी P बराबर आपको कितना आया, 25×5 125, और ये वो सुनना, यानी यही उत्तर है, 1250, ये क्या है आपका मूलधन था। देखिए दूसरा हिस्सा भी आपको निकल गया कि मूलधन जो था आपका वो कितना था, 1250 रुपया, एक हिस्सा यहाँ उत्तर है और दूसरे हिस्सा यहाँ है, यानी यही दो क्या है कुल मिलाकर आपके सही जवाब। देखिए तो बच्चों 16 नंबर के बाद 17 नंबर प्रश्न जो है वो हूबहू 16 नंबर प्रश्न की तरह ही है, आपसे उम्मीद करते हैं जरूर बन जाएगा, आप कोशिश जरूर करें, ठीक है, और ना बनने पर आप जानते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप उस पर कमेंट करें, आपको उत्तर जरूर प्राप्त हो जाएगा। 17 से थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न पर हम लोग जल्दी से आते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए कहता क्या है कि 6 माह के अंतर पर दे 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6000 का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए यह सवाल थोड़ा अलग प्रकार का जरूर है, इस सवाल को बनाने के लिए आपको इस सूत्र का फिर से एक दूसरा रूप देखना होगा। आइए तो जल्दी से हम लोग देखते हैं वो मिश्रधन वाला सूत्र जो है आपका, तो मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 / 100 पे घात n, आपका यह सूत्र, इस सूत्र का एक दूसरा रूप और देखिए, यह भी एक रूप था, जब यह रूप कब लगता है, जब दर क्या हो, पहला साल R1, दूसरा साल R2, तीसरा साल R3, तब लगता है यह सूत्र। अब देखिए इसी का एक और रूप देखते हैं, यहां पे इस सूत्र में आप जानते हैं R क्या है, जहां पे R आप जानते हैं क्या है, R क्या है आपका वार्षिक ब्याज दर, और N क्या है यहां पे समय, वो भी क्या होता है
समय भी जो है वो भी वर्ष में ही होता है, तब यह सूत्र लगता है। लेकिन आपको पता है क्या, एक बात इसमें और है, यह सूत्र कब लगता है, जब ब्याज जो हो, देखिए दर वार्षिक हो और समय भी क्या हो, वर्ष में ही हो, लेकिन साथ में एक चीज और हो, क्या कि ब्याज की गणना भी जो हो वो वर्ष में एक बार हो। कहने का मतलब है ब्याज जो लिया जाएगा, आदमी जो भी आपसे ब्याज ले रहा वो भी कितने बार लेगा साल में ब्याज, एक बार। यानी यह सूत्र तब लगता है जब ब्याज की गणना, जब ब्याज की गणना गणना वर्ष में एक बार हो या वार्षिक हो। आप ये भी कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गणना वार्षिक हो, वार्षिक हो, यानी वर्ष में जब एक बार ब्याज कहा जाएगा कि लिया जाएगा तभी यह सूत्र लगता है, जानते हैं। अगर लेकिन कह दे क्या कि नहीं, ब्याज दर भी वार्षिक ही दिया गया हो, आपको वार्षिक ब्याज दर ही दिया गया और समय भी वर्ष में ही दिया हो, लेकिन कभी कभी यह कह दिया जाएगा कि ब्याज जो लेंगे, या कोई जो आदमी आपको उधार दिया वो क्या कह देगा कि ब्याज लेकिन हम लेंगे 6 महीना में एक बार, यानी 6-6 महीना के बाद हम ब्याज की गणना करेंगे, तब उस समय यह सूत्र नहीं लगता, तब उस समय इसी सूत्र का क्या होता है, रूप बदल जाता है। तो देखिए यहां पे, यानी आप समझ गए कि यह सूत्र तभी लगाएंगे जब ब्याज की गणना वार्षिक। और एक बात और, अगर सवाल में कुछ नहीं दिया रहता कि ब्याज की गणना कैसे होगी, तो हमेशा वार्षिक ही होता है, लेकिन अगर ब्याज की गणना वार्षिक नहीं है तो बकायदा प्रश्न में लिख दिया जाता है, जैसे इस प्रश्न में 18 नंबर में लिख दिया गया है कि 6 महीना पे आपको ब्याज देना होगा, तो इसमें लिख दिया जाएगा। और नहीं दिया रहे तो हमेशा ब्याज की गणना क्या होती है, वार्षिक। तो आइए, सूत्र होगा क्या, जब जब ब्याज की गणना, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, 6 महीने पे ब्याज देना परे, 6 माह पे, ठीक है। आप यह भी लिख दीजिए, क्या अर्धवार्षिक की जगह क्या लिख सकते हैं, 6 माही भी लिख सकते हैं या 6 माह भी लिख सकते हैं, ठीक है, 6 माह पे हो, ठीक है। यानी ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, तब यह सूत्र देखिए कैसे बन जाएगा। गौर कीजिए बात पे, आपको ब्याज दर जो होगा वो तो वार्षिक ही दिया गया होगा कि आर क्या है, वार्षिक ब्याज दर है, समय भी क्या होगा, वर्ष में ही होगा, ठीक है। लेकिन उदाहरण के लिए मान लेते, 1 साल का अगर आपको समय है, ठीक है, लेकिन ब्याज की गणना 6 महीने पे ही हो रही है, यानी ब्याज कौन बार लिया जाएगा तब साल में, देखिए 2 बार, यानी क्या हो गया, डबल हो गया, नहीं हो गया डबल। अब जैसे मान लेते हैं वर्ष है 2 साल, लेकिन आपको कह रहा है क्या, हम 6 महीना पे ही ब्याज लेंगे, तो हर 6 महीना पे ब्याज होगा तो 2 साल में कितना लिया जाएगा, 4 बार, यानी देखिए डबल हो गया। यानी कहने का मतलब है यह सूत्र का देखिए कैसे रूप बदल जाएगा, तो यह सूत्र क्या बन जाएगा, यहाँ पे समय जो होगा, अगर देखिए एन जो दिया होगा आपको वो हमेशा वर्ष में ही होना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे इस सूत्र में डालेंगे तब वो क्या हो जाएगा, 2n, माने डबल हो जाएगा, प्लस ब्याज क्या हो जाएगा, जो भी वार्षिक ब्याज दर है वो क्या हो जाएगा, आधा, साल में लगा था ना आर प्रतिशत, तो 6 महीने में कितना लगेगा, r/2, देखिए यहां पे क्या लिखेंगे आप, r/2, देखिए यही सूत्र बदल गया। यह सूत्र कब लगाएंगे, जब ब्याज की गणना क्या हो, 6-6 महीने पे हो, 6 माह पे हो, 6 मंथ्स, ठीक है। और यहां पे भी लेकिन आर क्या है आपका, वार्षिक ब्याज दर, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, वार्षिक ब्याज दर, और एन क्या है, समय है, वो भी किस में होना चाहिए, वर्ष में हमेशा होना चाहिए, ठीक है। आपको पहले भी कहें ये दोनों की इकाई को हमेशा मिलाइएगा, दोनों सेम होना चाहिए। इसके बाद एक और रूप क्या है कि कभी कभी कह दिया जाएगा कि ब्याज की गणना जो है वो क्या है, त्रैमासिक है, यानी 3-3 महीने पे, तब क्या हो जाएगा, वो भी जल्दी से देख लेते हैं, जब ब्याज की गणना त्रैमासिक हो, त्रैमासिक, त्रैमासिक कहने का मतलब क्या होता है, 3 महीने पे हो, एक बार ब्याज ले, 3 माह पे हो, तब देखिए क्या हो जाएगा, तब उसी समय फिर से यह सूत्र बदल जाएगा, फिर से देखिए यह सूत्र का रूप बदलेगा, उस समय क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, तो फिर से अगर मान लेते हैं समय कितना दिया गया था आपको, 1 साल, और कह रहा है क्या कि 3-3 महीने पे ब्याज लेंगे, तो 1 साल में कौन बार लिया जाएगा, 4 बार लिया जाएगा,
यानी 4 गुना हो गया। 2 साल में कितना बार लिया जाएगा, 4 × 2 = 8 बार, 1 साल में 4 बार लिया जाएगा तो 2 साल में देखिए 8 बार, यानी समय जो आपको वर्ष में दिया होगा n का मान क्या हो जाएगा। यहां देखिए n क्या होता है, कितनी बार ब्याज की गणना की गई, तो जब 3-3 महीने पे लिया जाएगा तो समय कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। उसको समय को कितने से गुना करेंगे, 4 महीने से, या 4 से गुना करेंगे, 4n हो जाएगा। और ब्याज दर क्या हो जाएगा, उसको 4 से क्या कर देंगे आप, भाग दे देंगे, यानी r जो होगा r बटा क्या हो जाएगा, 4। यही देखिए सूत्र का रूप बदल गया, r इसमें r बटा 2, यानी सीधी बात है, अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है तो समय दुगना हो जाएगा, ब्याज दर आधा हो जाएगा। अगर ब्याज की गणना त्रैमासिक है तो समय 4 गुना हो जाएगा और ब्याज दर 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको 4 से भाग दे देंगे और इसको समय को 4 से गुना कर देंगे। यहां भी r क्या है, वार्षिक ब्याज दर, ध्यान में रखें वार्षिक ब्याज दर, और n क्या है आपका, समय है, ठीक है, समय भी किसमें, वर्ष में हमेशा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ये पता चल गया तो इन सूत्रों की सहायता से हम आगे के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए जल्दी से हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों आइए जल्दी से फिर से 18 नंबर प्रश्न को एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं कि 6 माह के अंतर पर दे 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6 वर्ष का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए जल्दी से आते हैं 18 नंबर प्रश्न को अब हल करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग से हल हो जाएगा क्योंकि हम लोग एक सूत्र को देखें, इसी सूत्र के देखिए, हम लोग का जो सूत्र था इस सूत्र के ही हम लोग 2 नए रूप को देखें। ये देखिए हम यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं, इस पे गौर करें आप। आइए जल्दी से हम लोग को क्या क्या दिया गया है उसको जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देखिए क्या दिया गया है, ब्याज दर आर दिया गया है, ब्याज दर, ब्याज दर देखिए आर आपको कितना दिया गया है, 8% वार्षिक, 8% वार्षिक लिख लिए हम लोग। उसके बाद देखिए आपको क्या दिया गया है, दर पर मूलधन क्या है, 6000 मूलधन लिख लेते हैं जल्दी से। मूलधन आपको क्या दे दिया गया, पी यानी 6000 रुपया, ये भी दे दिया गया, हम लोग ये भी लिख लेते हैं। उसके बाद क्या दिया गया, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, समय कितना दे दिया है, समय, आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में समय को एक एन से प्रदर्शित करते हैं, ये क्या दे दिया गया है, 1 वर्ष। तो आप निकालिए क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, जल्दी से लिख लेते हैं, चक्रवृद्धि आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI एक बार हम लिख देते हैं फिर से, यही आपको निकालना है। तो लेकिन एक चीज इसमें सबसे पहले क्या कह दिया था, ब्याज जो है 6 माह के अंतर पर दे, 6 माह के अंतर पे दे, मतलब ब्याज की गणना क्या होगी, अर्धवार्षिक होगी, 6 महीने पे होगी, तो यह वाला सूत्र लगाएंगे। तो हम लोग क्या लिख देते हैं जल्दी से, जब ब्याज की गणना क्या हो, 6 माह पे हो, 6 माह पे हो, तब तब क्या होता है, ए का मतलब मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, पी गुना 1 + r/2/100^2n। देखिए अब जो जो मान दिया गया बस इसमें रख दीजिए, आपको मिश्रधन देखिए आ जाएगा, और मिश्रधन आने के बाद उसमें मूलधन माइनस कर देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा जल्दी से। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, 6000 जल्दी से लिख दिए, यहाँ पे 1 + r/2 है, तो देखिए r/2 यानी 8/2 लिख दिए, बटा 100, यहाँ पे 2 लिख दिए, एन कितना है आपका, 1 वर्ष, तो हम लोग क्या लिख दिए, 2 गुना, यहाँ पे गुना का ही चिन्ह दे देते हैं हम लोग, 2 × 1। तो इसके बाद क्या हुआ, ये 6000 हो गया, गौर से देखिए ये 2 से इसको काट देंगे तो ये 4 नहीं हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया, 4/100, और ये 2 से गुना हो गया तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो आगे जल्दी से हल करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 6000, आपको बताए थे ना यह 100 है, और 100 में बस 4 को जोड़ के हमेशा लिख दीजिएगा, ये क्या 104/100 हो जाएगा, इस पे घात 2। फिर जाके अब क्या करेंगे, 6000 है, अब इसको घात 2 है तो इसको 2 बार गुना के रूप में जल्दी से लिख लीजिए, 104/100 × 104/100 लिख लिए हम लोग। यहाँ पे देखिए ये हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ये क्या आपका मिश्रधन है। अब क्या करेंगे, देखिए 2 जीरो यहाँ से गया, हट गया, 1 जीरो यहाँ से हटा देते हैं, अब सिर्फ क्या कीजिए, ऊपर को गुना कर दीजिए, और क्या, ऊपर को आप गुना करेंगे तो 104 को देखिए, 104 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 108/16, और नीचे आपको क्या है, सिर्फ 10 है, आप इसको गुना कर दीजिए, ए कितना आपको आएगा, इसको यहां से हटा के हम लोग यहां पे हल कर देते हैं। देखिए
आप जब इसको इससे गुना करेंगे तो आपको मिश्र धन बराबर कितना आएगा, 6 से इसको गुना कीजिए, 6 छा के 36 के 6 हाथ में 3, 6 एकम 6, 3 9 आया, फिर 8 छक 48 का 8 हाथ में 4, 4 आया और यह क्या आया आपको 6 आएगा, यानी A बराबर आपको कितना आया 64,896 बटा 10, बस 10 है, यानी दशमलव एक अंक इधर चला आएगा, यानी कुल मिलाकर आपका उत्तर कितना आया 6,889.60। ये आपका क्या आया, ये तो आपको क्या आया मिश्रधन आया। अब हमको क्या निकालना था, ब्याज निकालना था, तो ब्याज आप जानते हैं ना कि ब्याज कैसे निकलेगा, तो इसको इधर ले आकर माइनस कर देंगे, मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो आपको ब्याज आ जाएगा, तो ब्याज क्या है आपका सीआई, सीधा लिखेंगे क्या सीआई बराबर मिश्रधन आपको कितना आया 6,889.60 माइनस मूलधन आपका कितना था 6,000 रुपया, इसमें से क्या कर दीजिए आप माइनस कर दीजिए, तो देखिए आपको सीआई यानी मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज आपको आया कितना, 6,489.60। आप चाहे तो अंत में को जीरो भी लगा सकते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना आ गया 489.60 और यही क्या है आपका सही जवाब। बच्चों देखिए 18 नंबर के बाद जो 19 नंबर प्रश्न है वो हूबहू 18 नंबर प्रश्न की तरह ही है, बस इसमें क्या है कि 3 माह के अंतर पर ब्याज को देना है, मतलब क्या ब्याज की गणना जो होगी क्या होगी त्रैमासिक होगी, बस यह सूत्र लगाना है और उत्तर आ जाएगा आपको, तो आप यह सवाल खुद से बनाने की कोशिश जरूर करें, और न बनने पर आपको पता है मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, आप उस पर कमेंट करें आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 19 के बाद देखिए 20 नंबर सवाल जो है वो थोड़ा अलग प्रकार का है, चलिए आइए जल्दी से 20 नंबर सवाल को हल करते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए जो है वो कहता क्या है कि 60,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 69,984 रुपये हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। ये सवाल देखिए हम लोग हल करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए सवाल को हल कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा बस टेक्निक है और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रदत्त आपको दिया क्या क्या गया है, प्रदत्त आपको क्या क्या दिया गया, सबसे पहले देखिए मूलधन की दिया गया है, तो जल्दी से लिख लेते हैं मूलधन यानी पी कितना दे दिया था आपको 60,000। उसके बाद देखिए आपको मिश्र धन भी दे दिया गया है कि यह जो 60,000 रुपया है वह कितना हो गया 69,900, कितना था आपको 69,984 रुपया बन गया, कितने वर्षों में, समय दे दिया गया है आपको, समय यानी एन दे दिया गया है, कितने वर्षों में, तो 2 वर्षों में, तो यह बताइए कि ब्याज दर कितना था, ब्याज दर यानी आर कितना था। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, हम लोग का मिश्रधन का यही एक सूत्र है, इसी को जल्दी से लिख लेते हैं कि मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 पे घात n, लिख लिए, अब जो जो मान है सब को बस लिख दीजिए, यहां क्या है 69,984 बराबर यहां क्या लिखेंगे 60,000, यहां पे 1 जोड़ r, तो देखिए हमको क्या करना है निकालना ही है, और यहाँ समय क्या है 2 वर्ष, तो आर कैसे हल करेंगे, सबसे पहले क्या कीजिएगा इसको इस तरफ लेके आ जाएगा, आपको पता है ये यहाँ पे गुना के रूप में है तो ये इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो हम इसको इधर ले आए 84/60,000 जल्दी से, और यहाँ पे आप देखिए अंदर वाले को आप चाहे तो जोड़ दें, आपको पता नहीं यहाँ 100 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 100 जोड़ r/100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा घात 2। अब देखिए इस सवाल को हल कैसे करेंगे, हल करने का तरीका क्या होता है कि इस तरफ जो है घात क्या है 2 है, तो इसको भी आप घात 2 में बदलने की कोशिश करें, कैसे, सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं इसको काट के थोड़ा सा सरल रूप में ले आते हैं, इसको 6 से काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10,000, और ऊपर को 6 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1,1,6,6,4 11,664 काट के, अब देखिए अब हम सरल रूप में लिखते हैं, तो देखिए 1,1,6,6,11,664/10,000 लिख दिए, तो और इस तरफ देखिए क्या है 100 जोड़ r/100, गौर से देखिए अब इसको हल करने का तरीका होता क्या है, इसको घात 2 के रूप में भी बदलना है, तो गौर से देखिए ये कितना है 11,664, ये किसका वर्ग है या इसको किसका घात 2 लिख सकते हैं, तो 108 का नहीं लिख सकते, इसको क्या लिखेंगे 108 का वर्ग, और नीचे वाले को देखिए 10,000 को क्या लिख सकते हैं 100 का वर्ग, देखिए बनाने का बस यही एक तरीका है,
सरल रूप से जल्दी से बनाने का यही एक तरीका है, इसीलिए हम लोग इसी तरीके को क्या करते हैं, पालन करते हैं और यही तरीका हम लोग अपनाएंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी क्या है, घात दो है, यहाँ भी घात दो है, तो अब सिर्फ करना क्या है, देखिए तो हम एक ही बार चाहें तो, चलिए हम इसको इधर हल करते हैं, अरे तो यहीं पर एक लाइन लिखते हैं, देखिए दोनों पे घात है तो एक ही बार हम क्या करते हैं, बटा 100 एक ही बार पूरे पे घात लिख दिए और यहाँ पे भी लिख दिए। अब देखिए घातांक के नियम के अनुसार, घातांक के नियम आप पढ़े होंगे, उसके अनुसार अगर बराबर के दोनों तरफ कोई भी आधार है, यहाँ x है जैसे 5 है, लेकिन दोनों का घात क्या है, बराबर है, तो उसका जो आधार है वो भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ भी घात दो है, यहाँ पे भी घात दो है, इसका मतलब घातांक के नियम के अनुसार यह जो हिस्सा है आधार, यानी ब्रैकेट के ये अंदर जो है और ब्रैकेट के ये जो अंदर है, ये दोनों भी क्या होगा, बराबर भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी घात दो है, यहाँ भी घात दो है, इसीलिए अंदर वाला हिस्सा हमको क्या मिल जाएगा, बराबर, यानी 108/100 जो है वो किसके बराबर होगा, 100/R/100। अब देखिए सिर्फ क्या, अब तो उत्तर आ गया, देखिए यहाँ भी बटा 100 है, यहाँ भी बटा 100, 100 हट गया, यहाँ सिर्फ क्या बचा, 108, यहाँ क्या बचा, 100/R, 100 को बस इधर लेके आइए, 108 में से 100 गया, उत्तर कितना, 8, यानी R बराबर आपको कितना आएगा, 108-100, यानी R बराबर कितना, 8% वार्षिक, नहीं, और ये R क्या है, आपका दर है, यानी यही क्या है आपका सही जवाब, कि दर क्या है, 8% वार्षिक है। देखिए सवाल में था कि बस हल कैसे करते हैं, यही एक टेक्निक था और कुछ नहीं, ठीक है। 20 के बाद देखिए बच्चों 21 नंबर सवाल भी जो है वो भी बहुत सुंदर सवाल है, उसमें भी देखिए बस क्या है, हल करने का बस टेक्निक है कि बस हल करते कैसे, तो आइए जल्दी से उसको भी हल कर लेते हैं। छोटा सा सवाल है, 21 नंबर सवाल, कहा क्या गया है आपको कि वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने वर्ष में 40,000 रुपये का चक्रवृद्धि मिश्रधन 46,656 रुपये होगा। इसमें भी देखिए आपको जो जो चीज़ें दी गई हैं जल्दी से लिख लीजिए, यहाँ पे भी प्रदत्त जो भी है, देखिए मूलधन दे दिया गया है आपको, मूलधन, मूलधन मैंने पी कितना दे दिया गया है, अब की बार मूलधन जो है आपका कितना 40,000 है, जल्दी से लिख लेते हैं 40,000। उसके बाद आपको देखिए मिश्रधन भी दे दिया है, मिश्र धन यानी ए भी आपको दे दिया गया, ए कितना है आपका 46,656, 46,656। इसमें आपको क्या दे दिया गया था, ब्याज दर दे दिया गया है, ठीक है, इसमें क्या दे दिया गया है आपको, ब्याज दर यानी आपको आर दे दिया गया है, कितना 8% वार्षिक, ये आपको दे दिया गया है। और पूछा क्या है कितने वर्ष में, देखिए लास्ट सवाल में समय यानी आपको n पूछा है, लास्ट सवाल में देखिए n दिया हुआ था और r पूछा था, फिर से क्या करेंगे हम, उसी तरीके से फिर से हल करेंगे, मिश्रधन वाला सूत्र जल्दी से लगाते हैं, a बराबर p गुना 1+R/100 पे घात n लगाए, जो जो चीज़ें दी गई है जल्दी से हम लिख लेते हैं, 46,656 बराबर 40,001 जोड़, यहाँ देखिए दर दे दिया गया है 8/100, निकालना क्या है हमको, n निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इधर लेके आइए जल्दी से, 46,656/40,000 जल्दी से 40,000, और यहाँ देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये 100 और जोड़ 8, ये कितना हो जाएगा, 108/100 इस पे घात n। अब देखिए करना क्या है, यहाँ भी फिर से वही घातांक का ही नियम का कंसेप्ट भी फिर से आएगा कि यहाँ पे देखिए 108/100 है, तो इसको भी आपको 108/100 के ही किसी घात के रूप में व्यक्त करना होगा। देखिए हो जाएगा, देखिए इसको 4 से काटते तो 10,000 आ जाएगा, तो 10,000 तो 100 का वर्ग है ना, तो हम लिख सकते हैं ना उसको 100 के घात के रूप में, तो इसको 4 से देखिए काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपको 10,000, और इसको 4 से काटेंगे तो ये फिर से कितना आ जाएगा, एक, यहाँ भी एक और यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, देखिए 11,664 आएगा। अब देखिए आपको कहे थे इसको जल्दी से लिख लीजिए फिर से 11,664, और यहाँ पे देखिए आपको आया कितना 10,000, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं 108/100, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए एक लास्ट सवाल में भी देखिए ये वाला मान आया था, 11,664 किसका वर्ग है, 108 का वर्ग है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते 108 का वर्ग, और इसको लिख सकते हैं ये है 100 का वर्ग,
और यहाँ क्या है, यहाँ भी 108 है, यहाँ पे बटा 100 पे घात n। चलिए आइए इसको हम जल्दी से यहाँ साइड में हल करते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, एक ही बार घात नहीं लिख सकते, 108 बटा 100 पे घात 2 नहीं लिख सकते, और यहाँ पे तो दिया ही हुआ है 108 बटा 100, यहाँ पे घात क्या है, n है। तो देखिए घातांक के नियम के अनुसार, अगर देख लीजिए घातांक के नियम के अनुसार, मान लेते हैं यहाँ भी आधार x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं m है और यहाँ पे घात कितना है, कुछ भी 2 मान लेते हैं, तो घातांक के नियम के अनुसार, क्योंकि आधार दोनों तरफ एक जैसा है, आधार देखिए दोनों क्या है, एक जैसा है, तो इसीलिए दोनों तरफ का घात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ भी देखिए 108 बटा 100 है, यहाँ भी 108 बटा 100 है, दोनों तरफ दोनों क्या है, बराबर है। तो ये बराबर कब होगा, जब n का मान कितना होगा, 2 होगा, यानी n किसके बराबर है, 2 वर्ष, यानी इसको अच्छे से लिख दीजिए, n बराबर 2 वर्ष, यही क्या है आपका समय, और यही आपको क्या था निकालना था, और यही क्या है आपका सही जवाब। देखिए बच्चों, हम लोग 21 नंबर सवाल तक तो हल कर लिया, 21 नंबर के बाद जो 22, 23, 24, 25 है, वो भी क्या है, पहले की तरह के ही सवाल है, जो जिस प्रकार के सवाल को हल करना हम आपको पहले भी बता चुके हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप उसको बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और वो आपसे हल हो जाएगा, क्योंकि ये जितने प्रकार के सवाल भी हैं, 22, 23, 24, 25, ये सभी प्रकार के सवाल हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसको बनाने की कोशिश जरूर करें, और न बनने पर मेरा व्हाट्सअप नंबर देखिए नीचे दिया गया है, आप उस पर कमेंट करें, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज 6.1 में जितने भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न थे, हम सबको बनाने की कोशिश किए, ताकि आपको जो भी प्रश्न हमने छोड़ा है वो आप खुद से भी बना सके, आपको कोई समस्या उत्पन्न न हो। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबाकर ऑल पे कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में, जिसमें हम लोग इसी पाठ के अगले एक्सरसाइज को हल करेंगे। तब तक आप लोग खेलते रहें, कूदते रहें, और सबसे ज़रूरी काम घर में जरूर रहे, ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सकें। धन्यवाद।